छत्तीसगढ़ विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ राज्य सरकार के फैसलों से नाराज नजर आ रहा है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि विभाग द्वारा मितव्ययता व वित्तीय अनुशासन के नाम पर वर्ष में एक बार मिलने वाले वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का आदेश कर्मचारियों को हतोत्साहित करने वाला है। यह फैसला कर्मचारी विरोधी व दमनकारी है। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता बरतने के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसमें कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को 31 मार्च 2021 तक के लिए रोक दिया गया है। इससे प्रदेश के लगभग 4.5 लाख कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारी आक्रोशित हैं। उनका मानना है कि सरकार का यह निर्णय कर्मचारी विरोधी है तथा इस आदेश की जितनी भत्सना की जाए कम है। कोविड संक्रमण और लॉकडाउन के कारण राजस्व प्राप्ति में कमी का हवाला देते हुए कर्मचारियों के इंक्रीमेंट को रोक देना सर्वथा अनुचित व असहनीय है, वह भी ऐसे समय में जब प्रदेश के हजारों कर्मचारी कोरोना महामारी से लड़ने में व्यस्त हैं। कर्मचारियों का कहना है कि एक तरफ कोरोना संक्रमण के नाम पर विभिन्न वर्गों को विभिन्न प्रकार की लाभ व सुविधाएं दी जा रही है, उद्योग व्यापार व कॉरपोरेट सेक्टरों को सरकार पैकेज जारी कर रही है, वहीं कर्मचारियों को कार्य निष्पादन के आधार पर वर्ष में एक बार मिलने वाली वेतन वृद्धि पर रोक लगा रही है। कर्मचारियों को वेतन का 3% प्रतिवर्ष जुलाई माह में दिया जाता है, उस पर रोक लगाने पर महंगाई के दौर में कर्मचारियों के परिवार की व्यवस्था व वित्तीय स्थिति डावाडोल हो सकती है। संघ के प्रांताध्यक्ष संजय तिवारी ने बताया कि 24 अप्रैल 2020 को जब केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का एक वर्ष का महंगाई भत्ता फ्रीज किया था, तब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए उसे कर्मचारी विरोधी बताया था और निर्णय वापस लिए जाने की मांग की थी। वहीं प्रदेश में आज कर्मचारियों के 5% महंगाई भत्ते पर अघोषित तौर पर रोक लगी हुई है तथा आज वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाए जाने का आदेश जारी किया गया। प्रांत अध्यक्ष संजय तिवारी, उमेश साहू, रोहित साहू, नवीन चंद्राकर, भरत तंबोली, शिवनारायण तिवारी, डी आर ध्रुव, शत्रुघ्न यादव, अरविंद चंद्रवंशी, गिरीश वर्मा, टी आर बंजारे, गणेश चंद्राकर, मंगलमूर्ति सोनी, कन्हैया यादव सहित अनेक कर्मचारियों ने राज्य शासन से इस आदेश को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएक्स टीवी, रायपुर। देखिए सर, साल भर जो कर्मचारी करता है उसके बाद उसके कामों का जो है मतलब मूल्यांकन किया जाता है और वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है। और सरकार ने हमारे मतलब हम कोरोना उसमें लग फाइट मतलब कोरोना के अगेंस्ट में लगे हुए हैं, सारे काम कर रहे हैं, उसके बाद सरकार ने हमारा वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दिया, जबकि इन्हीं के मतलब पूर्व प्रधानमंत्री मतलब मनमोहन सिंह और राहुल जी, इन लोगों ने जो है जब मोदी जी ने डीए को सीज किया था तब प्रबल विरोध किया था और कहा था कि कर्मचारियों का जो है हित जो है मारा जा रहा है। और आज सरकार ने जो है न सिर्फ जो है हमारा महंगाई भत्ता 5% ये पहले से सीज किए हुए 8-9 महीने हो गए, वो भी रिलीज़ नहीं किए, ऊपर तुक का ये कि इन्होंने जो है हमारा जो है मतलब वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी है, जिससे प्रत्येक कर्मचारी को 5 से 15 हज़ार रुपये प्रतिमाह नुकसान होगा। और यही हमारे विरोध का कारण है। इस इसके लिए जो है सारे संगठन जो है लामबंद हैं। प्रदेश के पूरे कम से कम 4.5 लाख कर्मचारी इससे जो है प्रभावित होंगे और उनको जो है प्रति महीने मतलब जो तृतीय या चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है उसको 3,000 और जो प्रथम वगैरह है उनको जो है 15,000 रुपये प्रति माह का नुकसान होगा। और हमको हमारे हितों पे भी जो है मतलब कि जो है मतलब तुषाराघात हो रहा है। जब से सरकार बनी है तब से कर्मचारियों के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया है और एक प्रकार से जो है निरंतर जो है यह सरकार कर्मचारियों का दमन कर रही है। हम चाहते हैं सरकार जो है अपना निर्णय जो है वापस ले और कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता जो पहले से रुक गए और वार्षिक वेतन वृद्धि तत्काल रिलीज करे। और वार्षिक वेतन वृद्धि से तो प्रत्येक कर्मचारी जो है बेहद आग बबूला है, उसको बेहद जो है मतलब सरकार के खिलाफ बेहद रोष है और इसलिए जो है मतलब सरकार को ये कम से कम जो है इमीडिएट तत्काल जो है जो मतलब क्या बोलते हैं वार्षिक वेतन वृद्धि का आदेश है ये विड्रॉ करना चाहिए, वापस लिया जाना चाहिए।